दोस्तों क्या आपको पता है कि पहले के जमाने में जब कॉन्डोम को बनाया जाता था तो उस समय भेड़ों के आंतों का यूज किया जाता था और उससे कॉन्डोम बनाया जाता था। अभी के समय में रबर का यूज करके कॉन्डोम बनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे महंगा कॉन्डोम कौन सा है? और साथ ही आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि दुनिया का सबसे महंगा कीड़ा कौन सा है और जिसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया का सबसे महंगा जहर किस जानवर का है, बिच्छू का है या फिर सांपों का। तो बने रहे हमारे इस वीडियो के अंत तक। तो लेट्स गेट ऑन द वीडियो टाइटल मोस्ट एक्सपेंसिव इन द वर्ल्ड। पहले नंबर पर बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे महंगे लिक्विड के बारे में, मतलब कि जहर के बारे में, जिसकी एक लीटर की कीमत लगभग 76 करोड़ के आसपास पड़ता है। और यह बात सुनकर आपको जरूर शॉक लगा होगा और आपके मन में कई सारे सवाल आ गए होंगे कि क्यों महंगा है, किस लिए महंगा है, इसका कारण क्या है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो आपको बता दें कि बिच्छू के जहर को दुनिया का सबसे महंगा लिक्विड कहा जाता है और जिस बिच्छू से यह जहर निकाला जाता है वह कोई आम बिच्छू नहीं है। इसका रंग नीला होता है और यह बिच्छू इतनी जहरीली होती है कि किसी को भी कुछ ही मिनटों में, आप किंग कोबरा सांप के बारे में जानते ही होंगे जिसका जहर लगभग 30 करोड़ रुपए प्रति लीटर के आसपास बिकता है, वही बिच्छू का जहर 75 करोड़ रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिकता है। यहाँ पर एक बातें यह भी उठती है कि बिच्छू का जहर और सांपों का जहर इतना ज्यादा खतरनाक है तो फिर इतना महंगा क्यों? तो आपको बता दें बिच्छू के जहर में लगभग 50 लाख कंपाउंड पाए जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिक लोग बहुत कम ही कंपाउंड का पता लगा पाए हैं जो कि बिच्छू के जहर में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जहर से कई सारे घातक बीमारी की दवाइयां बनाई जाती है, जैसे कि फिटस्टॉक्स स्कॉर्पियन पॉइजन के नाम की दवाई बनाई जाती है जिससे कैंसर जैसी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देती है। ऐसे ही कई तरह के लाइलाज बीमारियों की दवाई बनाई जाती है। तो बिच्छू के जहर और कोबरा सांपों के जहर इतने महंगे होने का यही सबसे बड़ा कारण है। और बिच्छू के जहर में जो 50 लाख कंपाउंड पाए जाते हैं, अगर सारे कंपाउंड के बारे में अगर वैज्ञानिकों को पता चल गया तो यह जहर और भी ज्यादा महंगी हो जाएगी और इस वजह से और भी सारी बीमारियां, लाइलाज बीमारियों की दवाई निकाली जा सकती है, उसे बनाया जा सकता है और आसानी से लोगों का इलाज भी हो सकता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं दुनिया का सबसे महंगे कॉन्डोम के बारे में। आपको क्या लगता है कितने समय पहले से यह बनती होगी और यूज में आती होगी और यह कैसे बनाई जाती होगी और इसकी कीमत क्या होगी? आपको बता दें कि कॉन्डोम का यूज 200 से 300 साल पहले से ही यूज में लाया जाने लगा था और उस समय इसकी कीमत काफी ज्यादा हुआ करती थी, लगभग 44,000 के आसपास। इस वजह से अमीर लोग ही इसका फायदा उठा पाते थे और इतने महंगे होने के पीछे कई कारण थे, जैसे कि पहले के समय में कॉन्डोम बनाने के लिए भेड़ों के आंतों का यूज किया जाता था क्योंकि यह भेड़ों के आंत रबर की तरह लचीली होती थी, इस वजह से इसका यूज किया जाता था, जिसे बनाने में काफी समय भी लग जाते थे क्योंकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। एक बात और कि उस समय की कॉन्डोम की लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर के आसपास होती थी। फिर जब 19वीं शताब्दी में रबर से सस्ते कॉन्डोम बनाए जाने लगे तब भेड़ों के आंतों वाली कॉन्डोम धीरे धीरे बंद हो गई। अब इस कॉन्डोम से जुड़ी एक खास घटना के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल स्पेन के एक छोटे से शहर में एक बॉक्स मिला था जो काफी ज्यादा पुराना था और जब उस बॉक्स को खोला गया तब उसके अंदर मिला एक कॉन्डोम जिसका आकार लगभग 19 सेंटीमीटर का था। और जब उस पर रिसर्च हुआ तो पता चला कि यह तो 200 साल पुराना था। और चौंकाने वाली बात यह है कि जब इसे नीलाम किया गया, एंसडर नाम के व्यक्ति ने इस कॉन्डोम को 42,500 रुपए में खरीदा और जिस वजह से उस कॉन्डोम को दुनिया का सबसे ज्यादा, सबसे महंगा कॉन्डोम कहा गया। अब दोस्तों आप लोग तो कीड़े मकोड़े को जरूर देखे होंगे, लेकिन भारत देश में एक ऐसा कीड़ा भी है जिसका कीमत लगभग 10 लाख रुपए प्रति किलो के आसपास है। इसे दुनिया का सबसे महंगा कीड़ा कहा जाता है। आप जो स्क्रीन पर देख
देख रहे हैं इसका नाम है कैटरपिलर फंगस, जो कि एक खास तरह के कीड़े के ऊपर पनपती है। यह कीड़ा हिमालय नेपाल चीन के ऊंचे पहाड़ों के ठंडे इलाकों में ही पाई जाती है, जिस पहाड़ की ऊंचाई लगभग 5000 मीटर के ऊपर होती है। और इस कीड़े का यूज सदियों से जड़ी बूटी बनाने के यूज में लाया जाता है और लोग मर्दाना ताकत की दवाई के तौर पर इसे खाते हैं और लोग तो चाय और सूप के तरह इसे पीते भी हैं। आपको जानकर यह बातें काफी अजीब लगी होगी, लेकिन इसका स्वाद मीठा होता है और इसे मेडिकल यूज में भी लाया जाता है, जिससे फेफड़े के इलाज में काफी ज्यादा मदद मिलती है और दवाइयां बनाई जाती है। इसके इतने महंगे होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि यह हमें आसानी से मिलती नहीं है और पिछले कुछ सालों से इसकी उपलब्धता घटती जा रही है, जिस वजह से अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने इसे रेड लाइटेड कर रखा है। और यह जो जीव है हिमालय के एरिया में खास पौधे से निकलने वाले रसों के ऊपर ही पैदा होते हैं और साथ ही उसके मर भी जाते हैं, जिसकी आयु 6 महीने के ही होती है और सिर्फ ये सर्दियों के मौसम में ही पैदा होते हैं, फिर मई जून आते आते यह खत्म हो जाती है। और इस कीड़े को हिमालय क्षेत्र के स्थानीय लोगों द्वारा पहाड़ों पर चढ़कर टेंट लगाकर इसे इकट्ठा करते हैं और वो लोग इन्हें बाजार में बेच देते हैं। तो दोस्तों आपको यह इंफॉर्मेशन कैसी लगी? पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर ठोक दीजिएगा और आप जो नीचे ये 3 वीडियो देख रहे हैं इसे आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। हम ऐसे ही नॉलेजेबल और फंटास्टिक वीडियो लेकर आते हैं, उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ।